हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम। हमारे रवि अग्रवाल जी हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे एक फाइल भेजी है, उसी फाइल पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ डेटा है और मुझे इस डेटा को जितने नाम है ना उतने अलग अलग सी पे कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास पहले से प्रीफिक्स है तो यहाँ पे आप फिल्टर फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जिस यहाँ पे मैंने रॉयल इंजन वाले है या नाम है यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे हम फिल्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर फिल्टर हम जाएंगे और डेटा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर इसमें आता है इंक्लूड। इंक्लूड में पार्टीज इक्वल टू, और रॉयल एज में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जितने भी नेम हैं सारे के सारे याद रहते हैं। तो फिल्टर फॉर्मूला लेटेस्ट एक्सेल का है जो यूज लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए पहले आपको अलग अलग सीट बनाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास ऐसे सिस्टम नहीं है जो अलग अलग सीट बने। मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, काफी लंबी डेटा है, इसे अलग अलग शीट हम नहीं बना सकते। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, देखिए इसके लिए तो फिर वीवीए प्रोग्रामिंग पे जाना पड़ता है, लेकिन वीवीए प्रोग्रामिंग में फुल्ली ऑटोमेट हो जाएगा। लेकिन पिवट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम सेमी ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इंसर्ट पे जाके एक पिवट टेबल क्रिएट करना है, पार्टी नेम और उसके सामने कोई भी एक वैल्यू रख दीजिए, आ गया। अब कुछ नहीं करना है, बस एक एक करके डबल क्लिक करना है। इस पर डबल क्लिक किया, अलग शीट में आ गया। वापस पिवट पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वापस आगे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वापस जाते हैं, डबल क्लिक, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक। तो हमने जैसे पिवट के ऊपर इसकी जो वैल्यूज है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसका डेटा एक अलग शीट पे आपको पेस्ट कर देगा। जी हाँ, एक अलग शीट पे आपको डेटा पेश कर देगा, कुछ इस तरह से। तो वही प्रॉब्लम है कि फिर अलग अलग शीट्स आपको बनानी होंगे, तो हो सकता है अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि और कोई सलूशन है या नहीं। देखिए अगर पिवट रिपोर्ट जैसा ही आपको सब कुछ चाहिए तो उसके लिए तो उपाय है कि आप पिवट टेबल में आप ये कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्टी नेम को फिल्टर में रख दिया, डेट मंथ राइट क्लिक पिवट टेबल ऑप्शंस इसमें डिस्प्ले क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट राइट क्लिक करके मैंने इसको यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में आइए, ये रिपोर्ट हमारा बन गया। और भी कुछ अगर देना है तो आप दे सकते हैं। ये हमारा रिपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे मैं प्लस नाइन का सिंबल जो है उसको हटा देता हूँ। पिवट टेबल ऑप्शन में हम ब्लैंक ही रहने देते हैं, ये बन गया। लेकिन मुझे इसको पार्टी वाइज अलग अलग शीट में चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको पार्टी नेम को फिल्टर में रखते हैं। पिवट टेबल स्टाइल में ही ऑप्शंस में ही यहाँ पे आता है सो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, और फिल्टर को सिलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे जितने भी शीट्स होंगे सबके अलग अलग आप देखिए रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे जरूरत ने देखा है उनकी रिक्वायरमेंट को, ए उनके लिए फिट नहीं बैठेगा, तो
तो इसको भी आप यूज में करें, लेकिन मेरा वही है कि आप डबल क्लिक करें पिवट के ऊपर, कि आप जैसे जैसे डबल क्लिक करेंगे इसका डेटा एक अलग आ जाएगा। तो ये डबल क्लिक आप करके आप रिपोर्ट ला सकते हैं पिवट टेबल ऊपर। अगर आपके पास पहले से सीट बने हुए हैं तो आप फिल्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियोज के लिए, पूरी सिक्वेंस वीडियोज के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं XLMIS ट्रेनिंग, या फिर मेरी वेबसाइट app.iptindia.com जाके मोबाइल नंबर से स्टार्ट करके इसके स्टोर में आपको सारे के सारे मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज दिखेंगे, या फिर मेरे लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे कॉल कीजिए किसी प्रॉब्लम के लिए, नंबर सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। थैंक यू।